हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसटी इंस्टीट्यूट। तो मैं आज एमएमएल के अंदर आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिगार्डिंग है जैकोबियन। ठीक है, जैकोबियन वेक्टर कैलकुलस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं, मान लीजिए कि आपके पास में एक फंक्शन है एफ जो कि डिफाइंड है एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू एक्स एन वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, सो द ग्रेडियंट ऑफ एस इज डिफाइंड एज, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज डिफाइंड एज कि जो रो वेक्टर हो जाएगा, ये बेसिकली एक रो वेक्टर है, एक रो वेक्टर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे डो अपॉन एफ विद रेस्पेक्ट टू, एक बार तो एक्स वन, फिर कोमा, फिर ये पूरा एफ एक बार डो एक्स टू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, फिर ये पूरा एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स थ्री के में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, ऐसे ऐसे करते करते डो एफ डो एक्स एन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, सो द ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ कर्ल एफ इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ एफ, इज कॉल्ड बेसिकली इसे ही हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन बोलते हैं। तो ये एक रो वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लीजिए कि आपके पास में फंक्शन है एफ एक्स वन एक्स टू इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू क्यूब। ये फंक्शन है, तो इसका जैकोबियन निकालना है। तो हम ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे जो कि आपका है एक रो वेक्टर बनाएगा, रो वेक्टर के अंदर डो अपॉन डो एक्स वन के रेस्पेक्ट में हम एक बार वो करेंगे इस पूरे फंक्शन को, और एक बार इसको एफ टू के रेस्पेक्ट में एक्स टू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स वन के रेस्पेक्ट में करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये आएगा टू एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू क्यूब। ठीक है, और एक बार इसको एक्स टू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो हो जाएगा एक्स वन की स्क्वायर प्लस एक्स टू थ्री एक्स सॉरी एक्स वन ये स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने उसके रेस्पेक्ट में किया, और इसको रो वेक्टर में रख दो सीधा सीधा, टू एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू की क्यूब और कोमा एक्स वन स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वन एक्स टू की स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया रो वेक्टर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन ऑफ दिस फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू। अगर हमें ये दे रखा हो, एक और फंक्शन दे रखा हो एक्स वन की स्क्वायर प्लस थ्री एक्स टू, अगर ये दे रखा हो और कह रहा है कि ये निकालो आप जैकोबियन निकालो इसका, तो कुछ नहीं, जैकोबियन निकालने के लिए अगेन एक्स वन की रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, फिर यहाँ पर एक्स टू की रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करो और यहाँ पर रख दो, इस रो वेक्टर के अंदर रख दो। तो एज सिंपल एज इट इज। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन नंबर थ्री लेके आया, थोड़ा सा डिफरेंट है इन सबसे। आपके ऐसा फंक्शन है एफ इक्वल टू लॉग एक्स वन की होल स्क्वायर एक्स वन की स्क्वायर प्लस साइन थ्री एक्स टू प्लस सिक्स एक्स वन। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो पहले, तो अगर इसका आप जैकोबियन निकालना है तो एक बार एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सो ये हो जाएगा वन अपॉन, सबसे पहले इसका किया हमने, सो वन अपॉन एक्स वन की स्क्वायर, और इसका हो जाएगा टू एक्स वन। ठीक है, फिर इसको करो, इसका करो साइन का क्या होता है कॉस, सो कॉस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स एक्स वन, अंदर अंदर करो डिफरेंशिएट, तो एक्स वन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये तो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा सिक्स। ठीक है, ये हो गया एक्स वन के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, इसी तरीके से एक्स टू के रेस्पेक्ट में कर लो, तो ये तो हो जाएगा जीरो, और इसका क्या होगा कॉस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स एक्स वन, तो ये वाला तो जीरो और इसका आ जाएगा एक्स थ्री। ठीक है, और इन दोनों को उसके अंदर रख दो, रो वेक्टर बनाकर उसके अंदर रख दो। तो देखो, एक से ये तो कट गया,
ये हो जाएगा 2x1 प्लस कॉस 3x2 प्लस 6x1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस कॉस 3x2 प्लस 6x1 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस इज एंटायर जकोबियन ऑफ एफ। इसे ही आप कहते हो जकोबियन ऑफ एफ। तो देखिए काफी सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर बेसिकली। सो अगला जो टॉपिक है वो है आपका ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का ग्रेडियंट बेसिकली। सो एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन मतलब एक वेक्टर की फॉर्म में कॉलम वेक्टर दिया हुआ है। मान लीजिए आपको F1, F2, अप टू FK तक, ठीक है, और उसका ग्रेडियंट निकालना है आपको। सो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन मतलब एक वेक्टर दिया हुआ है और हर एक F1, F2, FK जो भी ये फंक्शंस हैं इनके अंदर ये फंक्शन है X1, X2, अप टू XN वेरिएबल के, ये सभी फंक्शन है X1, X2, XN वेरिएबल के। तो देखिए अगर इनका जब हमें वेक्टर निकालना है बेसिकली ग्रेडियंट निकालना है तो क्या करते हैं हम, नॉर्मली क्या कर रहे थे पहले, एक बार रो निकाल रहे थे, एक बार उसको X1 के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, फिर हम X2 के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे सिंपल। हर एक के लिए X1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको भी X2 के रेस्पेक्ट में, अप टू XN के रेस्पेक्ट में। तो इस कॉलम वेक्टर का जब रो बनाने की कोशिश करेंगे तो एक एंटायर मैट्रिक्स बन जाएगी रो इंटू कॉलम की, एम इंटू एन की, ठीक है। तो सबसे पहले X1 के, इसको F1 को X1 के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, फिर इसको F1 को ही आप X2 के रेस्पेक्ट में करो, ऐसे करते करते अप टू कहाँ तक जाएंगे, XN तक जाएंगे। ऐसे ही इसको F2 को भी आप कहाँ किससे करो, X2 के साथ में करो, फिर F2 को सॉरी X1 के साथ में करो पहले, फिर X2 के साथ में अप टू XN, ठीक है। यहां पर जाएंगे हम FN FK तक और इसको अगेन F1 2 अप टू पार्शियल डिफरेंशिएशन XN, ठीक है। सो ये हो गया आपका जकोबियन ऑफ ये। सो ये क्या है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है आपका, ये है एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, आपको वेक्टर वैल्यूड फंक्शन मिलेगा और उसका जकोबियन निकालना है। तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखकर समझते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए कि आपके पास में एफ है या फिर वेक्टर, आपके पास में एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है -2x1 प्लस x2 x1 प्लस x2। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, x1 है और x2 है, तो हमें x2 तक डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है इसको। सो हम जकोबियन इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस f1, ये मान लो f1 है और ये है f2, तो इसका फॉर्मूला लिख दो, डो f1 अपॉन x1 डो x1 और डो कोमा डो f1 अपॉन डो x2। इसी तरीके से डो f2 अपॉन डो x1 डो f2 अपॉन डो x2। सो इसका एक बार, इस वाले का पूरा एक बार करो x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा आपका -2, और x2 के रेस्पेक्ट में किया जब मैंने तो ये हो गया 1। इसी तरीके से इसको मैंने जब इस वाले को x1 के रेस्पेक्ट में किया तो 1 आया, और x2 के रेस्पेक्ट में किया तो भी 1 आया, तो ये एट लास्ट इसका जो आंसर हो जाएगा -2 1 1 1, ठीक है। दिस इज हाउ वी सॉल्व इट, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। मैं तो कह रहा हूँ जकोबियन निकालना जितना आसान है उतना कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आपको मैं कितने भी बड़े पॉइंट्स दे दूँ और उसका जकोबियन निकालने के लिए कहूँ तो आप आराम से निकाल सकते हो। एक बार 3x3 का अगर आप देखना चाहो तो निकाल के देख सकते हो, आपका आपको फंक्शन मिलेगा चाहे वो रो वैक्टर में मिले या तो कॉलम वैक्टर में मिले, वैक्टर वैल्यूड फंक्शन मिलेगा आपको। तो रो या कॉलम
उस फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है, और आपको फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। सो एक और क्वेश्चन है जो कि हमारा मॉडल पेपर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एफ आर क्यूब से, आर क्यूब उसका ट्रांजिशन है, ठीक है। सो वो डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, x1, x2 और x3। सीधा ही हमें पता चल गया कि तीन है, ठीक है, तीन फंक्शन होंगे, तीन वेरिएबल हैं, और रो जो कॉल यहाँ पर कॉलम दे रखा, रो दे रखा है सॉरी। तो वो पहली पहला उसका f1 हो गया ये, फिर दूसरा x1 4 x3 की होल स्क्वायर, ये दूसरा हो गया, और तीसरा आपका x1 प्लस x2 प्लस 2x3 की पावर 2, ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो इसको मैं f1 f2 f3 लिख देता हूँ। तो जेकोबियन निकाल लें इसका, ठीक है, और फिर बाद में पॉइंट भी दे रखा है कि जेकोबियन एट पॉइंट 1 -1, लास्ट में पॉइंट डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जेकोबियन निकालने के लिए, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, F1 को एक बार X1 के रेस्पेक्ट में, एक बार इसको X2 के रेस्पेक्ट में, एक बार F1 को X3 के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना। इसी तरीके से मैं F1 को, सॉरी F2 को मेरे को X1 के रेस्पेक्ट में, F2 को X2 के रेस्पेक्ट में, F2 को X3 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सेम कहानी F3 के साथ में, कुछ नया नहीं है यहाँ पर, वही सेम है, X1 X2 और X3, ठीक है, बस इसको डिफरेंशिएट करो और यहाँ पर डालते रहो। सो देखो ऊपर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले X1 को किया, तब वो आया 3X2 प्लस X3। इस तरीके से इसको जब मैंने X2 के रेस्पेक्ट में किया तो ये आ गया 3X1, वहीं जब मैंने इसको X3 के रेस्पेक्ट में किया तो ये सिर्फ X1 बचा, ठीक है। फिर F2 को हमने X1 के रेस्पेक्ट में किया तो वो आया 2, जब मैंने उसको X2 के रेस्पेक्ट में किया तो वो आया 0, और जब मैंने इसको X3 के रेस्पेक्ट में किया तो आया -8X3, ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने इसको F3 को X1 के रेस्पेक्ट में किया, सो 2X1 प्लस X2 प्लस 2X3 .1 हो गया ये। फिर जब मैंने इसको X2 के रेस्पेक्ट में किया तो ये हो गया 2X1 X2 प्लस 2X3 1, और जब मैंने इसको X3 के रेस्पेक्ट में किया पार्शियली डिफरेंशिएट तो भी ये 2X1 प्लस X2 प्लस 2X3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। सो एट लास्ट मेरे को इसकी वैल्यू पॉइंट करनी है। जब मैंने इसकी वैल्यू रखी तो आप जे के अंदर इसकी वैल्यू रख दीजिए पूरी पूरी, यहाँ पर इनकी वैल्यू रखिए और दैट्स इट आंसर, और बाद में लास्ट में आप पॉइंट उनकी वैल्यूज भी रख सकते हो, ठीक है। उन पॉइंट्स के ऊपर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके इसके अंदर रिप्लेस कर दे। तो ये बहुत सिंपल है, इसका मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ आपके लिए, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, +2 8 +8 है, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करने की कोशिश करें, बहुत सिंपल है। जैकोबियन मतलब काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा इसके ऊपर। सो थैंक यू गाइस।